आइए दोस्तों, आज से हम अपना पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट वन है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ए में मैंने 10 को असाइन करा है, मतलब ए जो यहाँ पे वेरिएबल है और 10 यहाँ पे वैल्यू है, तो मैंने ए को 10 में असाइन करा है और प्रिंट में ए को कराऊंगा तो देखिए क्या मिलता है, हमें 10 मिलता है। इसी तरह हमने बी में 10.23 को असाइन करा है और इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10.23। इसी तरह मैंने सी में डबल इन्वर्टेड कॉमा में DASP जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट, इसको जब हम रन करेंगे तो सी को देखिए क्या देगा, DAS। और इसी तरह हम डी को अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट। और इसी तरह हम अगर सीरीज बाई ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच इज इक्वल टू 954 और डबल इन्वर्टेड कोमा में त्रिअक्ष देव देते हैं और इन चारों को अगर प्रिंट कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है, सीरीज बाई हमें आंसर मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम a इज इक्वल टू जे, जे इज इक्वल टू के, के इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू एन और एन इज इक्वल टू ट्रू करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो आई जे एन मैंने 3 तक ही रखा था तो इसने ट्रू ट्रू दिया, मतलब इन सबको इक्वल है ट्रू के, तो ये शो बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम नीचे भी देख लेते हैं, इसको रन करते हैं तो एक ये एक दूसरा तरीका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमने सिंगल सिंगल प्रिंट कराया है, यहाँ पे एक ही में ही सारे प्रिंट कराए हैं तो इसलिए ये एक रो में दे दिया है। और नीचे देखते हैं और जब हम इसको कराते हैं देखिए इसमें भी सेम देता है। और इसमें देखिए दोस्तों टी इज इक्वल टू डॉलर है और हम जब टी को प्रिंट करा रहे हैं उसमें एस्ट्रिक दिया है हमने इंटू 10, तो ये देखिए क्या देता है, ये 10 टाइम टी, मतलब जो डॉलर का साइन है उसे 10 टाइम देगा ये, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए नीचे वाला चलाते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है, देखिए इसमें भी सेम ही आ रहा है जो हमने ऊपर देखा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों।